ओके जी, टुडे आवर टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इससे पहले हम जो है डीएनए के रेप्लिकेशन क्या होती है उस बारे में स्टडी कर चुके हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है उन सारों को स्टडी कर चुके हैं। सो स्टार्टिंग विद द डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ प्रोक्रियोट्स, तो हमारे पास जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होगी तो उसमें तीन चीजें आपके पास मस्ट होंगी। तो तीन स्टेप्स में आपके पास जब भी होगा रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा। सबसे पहला स्टेप होगा आपके पास इनिशिएशन, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो सेकंड स्टेप होगा इट विल बी एलोंगेशन एंड द थर्ड स्टेप विल बी टर्मिनेशन। इनिशिएशन में हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हम स्टडी कर चुके हैं ओरिक साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये सारी चीजें हम स्टडी कर चुके हैं। सो इन द इनिशिएशन रिकॉग्निशन ऑफ द स्टार्ट पॉइंट, जो आपके पास स्टार्ट पॉइंट होता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं ओरिक बोल रहे हैं, उसको हमारे पास सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया जाता है। उसके बाद आपके पास क्योंकि डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, हमारे पास जस्ट लाइक डबल स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से आ जाती है, ठीक है। तो इसके दरमियान हमारे पास क्या है, जो आपके प्यूरीन बेसिस हैं, प्यूरीन पायरिमिडीन बेसिस, उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। तो इस बॉन्डिंग को तोड़ा जाता है और आपके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सेपरेट कर दिया जाता है और फाइनली आपके पास थर्ड स्टेप आ जाता है, प्राइमर सेंसेस। तो आपके पास इनिशिएशन का जो प्रोसेस होता है उसमें तीन स्टेप्स होते हैं आपके पास। स्टार्टिंग पॉइंट जो है आपके पास ढूंढना, मीन ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पे है उसको ढूंढना। उसके बाद हमारे पास जो है हमारे पास सेपरेट करना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को, और थर्ड आपके पास आ जाता है प्राइमर सेंसेस आपके पास करना। और ये हमारे पास तीन स्टेप्स होंगे बेसिकली आपके इनिशिएशन के। उसके बाद एलोंगेशन होती है जिसमें आपके पास डीएनटीपीज की एडिशन की जाती है। डीएनटीपीज और एनटीपीज का डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूं। डीएनटीपीज में हमारे पास जो राइबोस शुगर होती है उसमें एक ऑक्सीजन की कमी होती है, जबकि एनटीपीज जो होते हैं उनमें जो राइबोस शुगर होती है वहां पे ऑक्सीजन कमी नहीं होती। दैट इज व्हाई दे आर टर्म्ड एज डीएनटीपीज एंड एनटीपीज। एनटीपीज आपके पास बेसिकली आरएनए की सेंसेस या प्राइमर सेंसेस में आपके पास इन्वॉल्व होते हैं, जबकि डीएनटीपीज आपके पास स्पेसिफिकली डीएनए सेंसेस के लिए इन्वॉल्व होते हैं। सो उसके बाद एलोंगेशन जब है तो आपके पास प्राइमर सेंसेस के बाद एडिशन ऑफ डीएनटीपीज होगी बाय यूजिंग आपके पॉलीमरेजेस, और उसके बाद आपके पास उनके दरमियान फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता चला जाएगा। मिसमैच अगर बेसिस कोई आ जाती है तो उनको करेक्ट किया जाएगा और आपके पास डीएनए स्ट्रैंड को एक्सटेंड करते चले जा रहे होते हैं। उसके बाद फाइनली आपके पास टर्मिनेशन आ जाती है, जो ये वो स्टेप आता है जहां पे आपके पास रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, पॉलीमराइजेशन स्टॉप हो जाती है। दिस पॉइंट इज टर्म्ड एज टर्मिनेशन। तो आपके पास ओवरऑल तीन स्टेप्स आ जाते हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है। स्टार्टिंग विद द इनिशिएशन, तो आपके पास अगर इनिशिएशन में देखा जाए द रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट नोन एज ओरिजिन। तो हम डिस्कस कर चुके हैं ओरिजिन क्या है, ठीक है, और हमारे पास ओरिक क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जहां से आपके पास क्या स्टार्ट हो रही है, आपकी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रही है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। तो ओरिजिन क्या होता है, वहां से हमारे पास इनिशिएट होती है चीजें स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हमारे पास उस पर्टिकुलर पॉइंट को लोकेट किया जाता है जहां से हमारे पास रेप्लिकेशन ने स्टार्ट होना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओरिक जो है हमारे पास जो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को हमारे पास ओरिक भी कहा जाता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होती है, दो चीजें आपके पास आपको पता होनी चाहिए। देयर इज अ 313 बेस पेयर कंसेंसस सीक्वेंस। व्हाट डू यू मीन बाय कंसेंसस सीक्वेंस? कंसेंसस सीक्वेंस का मतलब ये है कि आपके पास एक 13 बेस पेयर का एक सीक्वेंस, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ए बी सी डी, इस तरह का मैं 13 बेस पेयर का एक सीक्वेंस बनाता हूं। अब उसने क्या कहा, 313 बेस कंसेंसस। कंसेंसस सीक्वेंस का मतलब क्या है, यही सीक्वेंस आपके पास कुछ बेस पेयर के बाद अगेन से पाया जाएगा, उसके बाद कुछ बेस पेयर गुजरने के बाद यही सेम सीक्वेंस आपके पास अगेन से पाया जाएगा। दिस termed as consensus sequence, कि इनके अंदर जो sequence है वो similar है, that is why they are termed as consensus. तो और इनके दरमियान इनको इनके अंदर base pairs कितने होंगे आपके पास, 13 होंगे, कितने होंगे, 13 base pairs होंगे। so they are termed as 13 base pair consensus sequence. consensus sequence मतलब ये जो 13 base pair sequences हैं, ये तीनों के अंदर जो है आपके पास जो sequence बनता है वो similar है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो है 2 pairs of 9 base pairs होता है, ये 9 base pair anti consensus repeats भी मौजूद होते हैं, ठीक है। अब anti consensus sequence मतलब इनमें जो sequence होगा वो मौजूद होगा मगर वो opposite direction में होगा। A B C for example मैं कहता हूँ और दूसरी तरफ से मैं बोलता हूँ C D A, this is anti consensus sequence, ठीक है। अब क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है प्री प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स, इनिशिएशन हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास, मैंने क्या कहा था, आपके पास 9 मर रिपीट्स हैं, आपके पास 13 मर रिपीट्स हैं, 9 मर रिपीट्स वही जो है 13 बेस पेयर कंसेंसस आर एंटी कंसेंसस सीक्वेंसेस, और 13 मर रिपीट्स जो है आपके पास 13 बेस पेयर कंसेंसस सीक्वेंसेस आ जाते हैं। अब होता क्या है कि हमारे पास ये मौजूद होते हैं, जो ये सारी कहानी की गई है 9 मर और 13 मर की, ये आपके पास मौजूद होते हैं 8 और एक, हम बात कर रहे थे ना ओरिक। तो हमारे पास डीएनए तो बहुत बड़ा होता है, उसमें हमारे पास किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है जी, कि हमारे पास पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहाँ पे है। तो वो ओरिजिन का पॉइंट जो हमारे पास आइडेंटिफाई किया जाता है बाय द प्रेजेंस ऑफ दीज
सीक्वेंसेस, जहां पे आपके पास 13 मर सीक्वेंसेस आ जाएंगे और 9 मर सीक्वेंसेस आ जाएंगे, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ऑरिक का पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सीक्वेंस है पूरा, फॉर एग्जांपल सर्कुलर सीक्वेंस है। अब हमारे पास जो रिकॉग्निशन का प्रोसेस होता है वो कौन करता है, डीएनए ए प्रोटीन करती है। ठीक है, आपके पास ओरिजिन को रिकॉग्नाइज करने का काम कर रही है। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहां से ये मैं कह रहा हूँ जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो बेस पेयर है। ठीक है, आगे ये यहाँ पे आपके पास 10 बेस पेयर हैं, यहाँ पे 30 हैं, यहाँ पे 50 बेस पेयर हो जाते हैं, यहाँ 100 हो जाते हैं और दोबारा से जीरो तक पहुंच जाता है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, एक बात कर रहे हैं। अब क्या होगा, डीएनए ए यहाँ से हमारे पास क्या करना शुरू करेगा, ढूंढना स्टार्ट करेगा। किसको ढूंढना स्टार्ट करेगा जी, आपके ओरिक को ढूंढना स्टार्ट करेगा कि ओरिक कहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसको 9 मर रिपीट मिलता है। ठीक है, वो वाला सीक्वेंस मिलता है जो हमारे पास एंटी कंसेंसस सीक्वेंस है, मगर वो क्या करता है यहाँ से साथ में ढूंढता है जी कि इस पूरे पॉइंट को स्क्रीन करेगा यहाँ पे 13 मर रिपीट है या नहीं। अगर वो नहीं है तो वो क्या करेगा, आगे मूव कर जाएगा, आगे ढूंढना स्टार्ट कर देगा। अब फॉर एग्जांपल उसको यहाँ पे 13 मर रिपीट मिला है, मगर यहाँ पे उसके पास क्या एब्सेंट है, आपके पास 9 मर रिपीट एब्सेंट था, वो यहाँ पे भी नहीं रुकेगा। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे वो पहुंचता है और वो यहाँ पे देखता है आपके पास 9 मर एंटी कंसेंसस सीक्वेंस है, 13 मर जो है आपके पास क्या है, कंसेंसस सीक्वेंस मौजूद है। तो वो इस पॉइंट के ऊपर क्या कर जाएगा, कौन, डीएनए ए प्रोटीन बाइंड कर जाएगा और वो रिकॉग्नाइज करेगा इसको एज अ ओरिजिन के, ये मेरे पास क्या है, ओरिजिन का पॉइंट है, यहाँ से ये मेरा वो पॉइंट है जहां से मेरी रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है। तो उसी तरह से क्या होगा कि सबसे पहले डीएनए ए प्रोटीन जो है हमारे पास ढूंढती है इस पूरे डीएनए को और वो हमारे पास जिस पॉइंट पे इसको क्या मिलेगा, देखें आपके पास ये क्या है 9 मर रिपीट्स हैं और ये लाइट ब्राउन में आपको 13 मर रिपीट्स शो हो रहे हैं, तो वो जहां पे इसको दोनों मिलते हैं ये वहां पे क्या हो जाती है, उसके साथ बाइंड हो जाती है। इट इज टर्म्ड एज इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इट इज टर्म्ड एज इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो ये चीज आपने याद रखनी है, जहां पे भी उसको 9 मर और 13 मर इकट्ठे मिलेंगे तो सिर्फ ये वहां पे जाके बाइंड करेगी, उसके अलावा ये कहीं पे बाइंड नहीं करेगी। और डीएनए ए प्रोटीन का काम ही ये है कि वो ओरिजिन को क्या करे, रिकॉग्नाइज करे। जब ये उसके ऊपर बाइंड कर जाती है, डीएनए प्लस डीएनए ए इज टर्म्ड एज इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। मैं ये पूछ सकता हूँ आपसे, डीएनए ए प्लस डीएनए इज टर्म्ड एज व्हाट, इट इज टर्म्ड एज इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब क्या होता है वहां पे क्या करता है, उसके बाद डीएनए ए प्रोटीन क्या करती है, बाय द यूज ऑफ एटीपी, हमने क्या कहा था डबल डीएनए क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक है, इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़नी है ताकि बाकी चीजें इसके ऊपर आके बाइंड कर सकें। तो वो क्या करता है, बाय द यूज ऑफ एटीपी यहाँ पे ये देखें आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो गए। जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो गए तो ये देखें आपके पास जो डीएनए स्ट्रैंड थे ये लूज हो गए, एक दूसरे से दूर हो गए। ठीक है, अब इस पॉइंट में क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ एटीपी आपके पास डीएनए सी क्या करती है, डीएनए बी उसको पकड़ के क्या करती है, हमारे पास लोड करवा देती है आपके जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर। ठीक है, अब जब डीएनए सी का याद रखना है यहाँ पे आपने कि डीएनए सी का काम ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास लोडिंग का काम करती है, किसको, डीएनए बी को, डीएनए बी को इस डीएनए के ऊपर, इस डीएनए बी को इस डीएनए के ऊपर बाइंड करवाने का काम कौन करेगा, डीएनए सी करेगा विद द हेल्प ऑफ एटीपी। अब डीएनए बी को जब वो लोड करवा देती है तो डीएनए सी खुद क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, उसका और कोई काम नहीं, उसने सिर्फ डीएनए बी को वहां पे पहुंचाना था। फॉर एग्जाम्पल आपने छत पे पहुंचना है तो आपने क्या करना है, सीढ़ी लगानी होती है। ठीक है, और आप खुद से ऊपर चले जाते हो, वहां पे सीढ़ी का काम क्या है कि उसने सिर्फ आपको ऊपर पहुंचाने में मदद दी है, उसने बाकी किसी प्रोसेस में हेल्प नहीं करनी। तो डीएनए सी का काम यही है कि वो एज अ क्या कर रहा है जी, आपके पास सीडी का काम कर रहा है कि डीएनए बी ऊपर लोड हो जाए आपके डीएनए के ऊपर। अब याद रखना है आपने डीएनए बी इट है एज अ हेलिकेज एक्टिविटी, हेलिकेज का काम क्या होता है कि ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है। ये देखें अब वो जो ऊपर बॉन्डिंग टूटी थी विद द हेल्प ऑफ बी, उसको डीएनए बी ने फर्दर आगे ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक और चीज आपने याद रखनी है, यहाँ पे इस देखते हैं आपके पास प्री प्राइमिंग कॉम्प्लेक्स, इसको कहते हैं प्री प्राइमिंग कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चीजें मौजूद है, डीएनए ए डीएनए मौजूद है, डीएनए ए प्रोटीन मौजूद है और डीएनए बी प्रोटीन मौजूद है। सो डीएनए प्लस डीएनए ए प्लस डीएनए बी इज टर्म्ड एज प्री प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आर प्री प्राइमिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये चीज आपके पास आ जाती है और इस पॉइंट पे आपके पास इनिशिएशन कंप्लीट नहीं हुई है अभी। अभी क्या होता है, इसके बाद आपके पास क्या रहता है, आपके पास प्राइमर सेंसेस होना रहती है। तो उसके बाद प्राइमेज आएगा, ये डीएनए बी आगे मूव कर जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके एसएसबी प्रोटीन्स आके फौरी तौर पे बाइंड कर जाएंगी। एसएसबी प्रोटीन्स का बाइंडिंग क्यों जरूरी है हम डिस्कस कर चुके हैं, ताकि ये दोनों स्ट्रैंड जो ओपन है वो दोबारा से आपस में बाइंड ना हो जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद आपके पास प्राइमेज आ जाएगा और वो प्राइमर की सेंसेस करना स्टार्ट कर देगा। सो हम दोबारा से एक दफा उनके आपकी आवाज ही नहीं आ रही पढ़ते हैं। डीएनए ए का काम क्या है, ओरिक की रिकॉग्निशन, मीन ओरिजिन का पता करना। उसके बाद डीएनए बी एंड डीएनए सी जॉइंस द डीएनए ए
डीएनए डीएनए ए कॉम्प्लेक्स, जिसको हम क्या बोल रहे थे, इसको हम बोल रहे थे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बोल रहे थे. इट दे बाइंड्स द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स एंड ओपन अप द टेम्पलेट डाउनस्ट्रीम टू सेपरेट इनफ स्पेस. उसके बाद डीएनए ए इज रिप्लेस्ड ग्रेजुअली. फाइनली उसके बाद क्या होता है, क्योंकि ओरिजिन हमारे पास क्या हो चुका है, आपके पास रेप्लिकेशन फॉर्क की फॉर्मेशन हो चुकी होती है, तो डीएनए ए उसके बाद हमारे पास ग्रेजुअली रिलीज हो जाता है. एसएसबी प्रोटीन्स क्या है, वो कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड कर जाएगी ताकि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को स्टेबलाइज किया जा सके और वो दोबारा से आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना बना सके. ठीक है, फाइनली आपके पास प्राइमर आ जाएगा और प्राइमर क्या करेगा, आपके पास प्राइमेज के थ्रू वो क्या करेगा, जॉइनिंग करेगा. ठीक है, और प्राइमेज क्या करेगा, हमारे पास आएगा और क्या करेगा, प्राइमोसोम की फॉर्मेशन करेगा. पहले क्या बना था, प्री